हेलो फ्रेंड्स, भक्तों सबको जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाली। आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी अद्भुत जगह जिसके दर्शन करके आप के मन में भी इच्छा होगी कि इस स्थान पर जरूर जाएं। हमारे साथ मेरे दोस्त सतीश वधवा, उनकी धर्मपत्नी निधि वधवा, बेटी आशना वधवा और हमारी धर्मपत्नी रजनी बाला, बेटी भैरवी गिरधर साथ में थे। हम रुके थे गगरेट में, जहाँ पर माँ चिंतपूर्णी सेवा कमेटी द्वारा लंगर लगाया जाता है। ये चिंतपूर्णी और होशियारपुर के बीच में एक जगह है गगरेट, जहाँ कुबेर पैलेस के बाहर ये लंगर लगता है। वहाँ लंगर सेवा में हमने कई दिन लगाए और जब हमें पता चला इस अद्भुत जगह का, जहाँ महाकाली और भगवान भोलेनाथ एक ही शिवलिंग में स्थापित है, बड़ी ही अद्भुत जगह। आइए चलते हैं। इस पवित्र स्थान का नाम है श्री कालीनाथ महाकालेश्वर महादेव मंदिर, जो व्यास नदी के तट पर है। गगरेट से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये स्थान स्थित है। गगरेट से अम्ब और अम्ब से कांगड़ा देहरा के परागपुर गांव में ये श्री कालीनाथ महाकालेश्वर मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर शिवरात्रि को बहुत ही विशाल मेला भी लगता है। और मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग में महाकाली और भगवान शिव दोनों का वास है। इस अद्भुत जगह के रास्ते के भी आपको सैर कराते हैं। इस पहाड़ी इलाके के अंदर जहाँ चारों तरफ पहाड़ है, वहीं हरियाली से भी मन उत्साहित हो जाता है, उमंग से भर जाता है। और इसी रास्ते में हम आपको बताते हैं इस पवित्र स्थल की के पीछे क्या रहस्य है, क्या कथा है। आपको ध्यान होगा कि आपने अक्सर महाकाली की फ़ोटो के अंदर देखा होगा कि भगवान शिव उनके चरणों में लेटे हुए हैं। ऐसा क्या है तो आपको बताते हैं। जब राक्षसों ने देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को परास्त कर दिया, तब सभी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं तो वे महाकाली को आदेश देते हैं कि वे राक्षसों का नाश करें। राक्षसों का नाश करते हुए महाकाली अत्यंत रौद्र रूप में आ जाती है, राक्षसों का भक्षण करने लगती है और उनका क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो आपे से बाहर हो जाती हैं। तब देवता चिंतित हो उठते हैं और महादेव से कहते हैं कि महाकाली के रौद्र रूप को शांत करिए। तब भगवान शंकर उनके सामने राक्षस का रूप बना के जाते हैं। महाकाली उनसे ही भयंकर युद्ध करने लगती है। विभिन्न प्रकार के उपायों से जब महाकाली का रौद्र रूप शांत नहीं होता तो भगवान शंकर युद्ध स्थल में लेट जाते हैं और गुस्से से भरी हुई महाकाली उनके ऊपर अपना पैर रख देती है और तब वो शांत हो जाती है। लेकिन अब अनजाने में है हुई इस भूल का प्रायश्चित करने की वह मन में ठान लेती है, क्योंकि भगवान शंकर के ऊपर जो उनका पैर आया और उन्होंने भगवान शंकर से युद्ध किया, उसका पाप उन्हें उनके मन में प्रायश्चित करने का प्रेरणा देता है। महाकाली पहाड़ों में जाकर के तपस्या करती है और उस तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, महाकाली के संजाने में हुई भूल और पाप से मुक्ति दिलाते हैं और महाकाली उसी स्थान पर एक स्थापित हो जाती है। जी हाँ, ये वही स्थान है जहाँ महाकाली और महाशक्ति महादेव शिव एक ही शिवलिंग के अंदर स्थापित हो गए और वो जगह है श्री कालीनाथ महाकालेश्वर मंदिर। और आखिरकार हम महाकालेश्वर पहुंच गए। ये है यहाँ की पार्किंग और यहाँ से उतरकर मंदिर की ओर रास्ता जाता है और व्यास नदी की ओर जाता है। ये कालेश्वर महादेव, ऊंचाई इसकी 522 मीटर है और यहाँ की आबादी 500 से भी कम है। और यहाँ से हम सीधे इस महाकालेश्वर मंदिर के बाजार से होते हुए मंदिर की ओर जा रहे हैं और मंदिर के पीछे वनास व्यास नदी का बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा, जहाँ जाकर
सभी भक्तजनों को बड़ी शांति महसूस होती है। ये है यहाँ महाकालेश्वर का बाज़ार। यहाँ आपको प्रसाद इत्यादि या खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं, और यहाँ बाज़ार में से होते हुए हम पहुँच रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ पर महादेव और महाकाली दोनों ही इस शिवलिंग के अंदर स्थापित हैं। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, जहाँ महाकाली ने तपस्या की थी श्री कालीनाथ कालेश्वर महादेव करने के लिए, और भगवान शंकर ने प्रकट होकर के उन्हें उस पाप से मुक्ति दिलाई थी, और तभी से महाकाली और महादेव यहाँ शिवलिंग में स्थापित हो गए थे। ये देखिए मंदिर के बाहर का बहुत ही सुंदर नज़ारा, और ये कालीचरण जी महाराज जिनका नाम इस मंदिर से जुड़ा हुआ, और इसके पीछे विशाल भंडारा भी चलता है। और ये मंदिर में प्रवेश करते ही बड़े ही सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया है। आइए यहाँ मधुर संगीत शहनाई की आनंद लीजिए। यहाँ लोग विधिवत मंत्रोच्चार से हवन यज्ञ भी करवाते हैं। ये वो स्थान है जहाँ महाकाली ने तपस्या की थी, मुख्य मंदिर जहाँ महाकाली और महादेव एक शिवलिंग के रूप में स्थापित है। वहाँ के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है, और भगत जन अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब हम बिल्कुल उस शिवलिंग के पास पहुंच रहे हैं जिसके दर्शन करने की जिज्ञासा उत्सुकता आपके मन में है। बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग आप देखेंगे, ऐसा शिवलिंग आपने कभी नहीं देखा होगा। और ये मंदिर जो बताया जाता है कि पांडवों ने बनाया था लगभग 5000 साल से अधिक समय पहले, और इसकी नक्काशी उस समय की निशानी है, और ये है शिवलिंग। आम तौर पर आपने जो शिवलिंग देखे होंगे वो धरातल से उभरे हुए होते हैं, लेकिन यह शिवलिंग जमीन के नीचे धंसा हुआ है। और ये भी बताया जाता है कि यह शिवलिंग कुछ समय बाद धीरे धीरे नीचे को धंसता जाता है। तो आइए नज़दीक से इसके दर्शन करें, और कमेंट में हर हर महादेव, जय महाकाली, जय माता दी लिखकर अपनी भावनाएं भोले शंकर तक पहुंचाएं। आइए देखिए ये अद्भुत शिवलिंग जहां पर पुजारी जी पूजा पाठ करवा रहे हैं, और बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, और बिल्कुल नज़दीक से देखें तो ये देखिए जमीन के अंदर धीरे धीरे धंसता जा रहा है यह शिवलिंग, और पुजारी जी इस तरह से यहाँ पूजा करते हैं। और इस मंदिर परिसर में और भी कई मंदिर बने हुए हैं, जैसे यहाँ शिवलिंग स्थापित है, भगत जन यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। आप भी हर हर महादेव कमेंट में लिखकर अपनी कामना भोलेनाथ से कर सकते हैं। और यहाँ दूसरा मंदिर गणेश जी का बना हुआ है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुमदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। और ये राधा कृष्ण जी का मंदिर भी यहाँ बना हुआ है, और इसी के साथ बाबा बालकनाथ जी का भी मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के पीछे व्यास नदी प्रवाहित हो रही है, जिसका बहुत ही विहंगम दृश्य जो आँखों को ऐसा कर देता है कि इस पूरे नज़ारे को अपने दिल में अपनी आँखों में कैद कर ले। आप भी उस नज़ारे का आनंद लीजिए। ये मंदिर के ठीक पीछे व्यास नदी बहती है, और इसके बिल्कुल नज़दीक भी हम आपको लिए चलते हैं। इसी मंदिर के पीछे जो सीढ़ियाँ हैं, जो कहा जाता है कि पांडवों ने व्यास नदी जी व्यास जी के पास जाने के लिए बनवाई थी, वो प्राचीन सीढ़ियाँ आज भी यहाँ स्थापित हैं। हम आपको व्यास नदी के बिल्कुल पास पानी लेके शिवजी पे चढ़ा दे।
हाथ पकड़े रखा, एक हाथ से चढ़ा दिया सीटे। ब्यास नदी के बिल्कुल पास एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है और हमने ब्यास नदी के जल से है उसका अभिषेक किया है। ब्यास नदी के इस दृश्य का आप भी आनंद लीजिए और कामना कीजिए कि आप भी यदि चिंतपूर्णी जाएं तो इस स्थल के ऊपर भगवान भोले शंकर आपको बुलाए, भगवान भोले शंकर की, महाकाली की और माता जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। और कमेंट में हर हर महादेव, जय महाकाली जरूर लिखें। जय माता दी, जय माता दी।